नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवादों के बीच बीते मंगलवार को आयकर विभाग की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में जांच के लिए पहुंची। हालांकि कुछ का मानना है कि ये छापेमारी है, लेकिन आयकर विभाग ने ये साफ किया है कि ये कोई छापेमारी नहीं, ये सामान्य सर्वे है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल और मुनाफे को डाइवर्ट करने का मामला है। बीबीसी पर महज सर्वे किया गया, कोई सर्च या रेड नहीं की गई। इस तरह का सर्वे आईटी डिपार्टमेंट की सामान्य प्रक्रिया है। सर्वे से पहले बीबीसी को कई नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया। इस मामले में ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को पूरा नहीं करके उसका उल्लंघन किया गया है, कंपनी के प्रॉफिट का डाइवर्ट किया गया है। इसी बीच कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीबीसी ऑफिस में आईटी रेड पर केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि यहां हम अडानी मसले पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले, विपरीत बुद्धि। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले, विपरीत बुद्धि। आपको बता दें कि हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटीज़ में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है।